हे, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरा चैंटिंग रिचुअल। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास में, मेरे चैंटिंग रिचुअल से जुड़े हुए भी आते हैं, और सबसे ज्यादा जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है मैंने ये क्या पहना हुआ है गले में। तो मैंने पहना हुआ है ये तुलसी माला, और बहुत सारे लोग इसे गेस भी कर लेते हैं कि क्या आपने तुलसी माला पहनी हुई है। तो जी हाँ, मैंने तुलसी माला ही पहनी हुई है, और मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मेरा चैंटिंग रिचुअल। तो पीछे जो आपको रेड वाली झोली दिख रही है ना, उसके अंदर है मेरी तुलसी माला जिसके ऊपर मैं चैंट करती हूँ। और मैं रोज डेली, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 16 माला चैंट कर लूँ। कोशिश नहीं होती है, मैंने पक्का प्रॉमिस किया हुआ है अपने आप से कि मुझे एनी हाउ एट एनी कॉस्ट 16 माला करना ही है। उसके ऊपर टचवुड बहुत बार चला जाता है, लेकिन उसके नीचे नहीं जाने देती हूँ मैं, ठीक है। उसके नीचे आपको जो दूसरी माला दिख रही होगी ना, वो है रोज क्वार्ट्ज की, वो भी 108 मनके की माला है। कभी कभी मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है ना, तो मैं उसको पहन करके घूमती रहती हूँ। और इसके नीचे आपको जो ये बुक्स दिखाई दे रही है ना, ये मैं अभी बीच वाले फ्लोर पर हूँ अपने, तो जब मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास में थोड़ा सा टाइम है तो मैं टीवी देखने की बजाय या कुछ और काम, मतलब जिसमें टाइम वेस्ट हो उसको करने की बजाय मैं बुक पढ़ना पसंद करती हूँ, या फिर मैं अपनी सेल्फ केयर करना पसंद करती हूँ, उस समय को मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मेरा चैंटिंग रूटीन कह लीजिए, रिचुअल कह लीजिए, किन चीज़ों का मैं ख्याल रखती हूँ उस चीज़ को कह लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैं ख्याल रखती हूँ वो ये होता है कि मेरा जो हैंड है, दोनों जो मेरे हाथ हैं वो अच्छे से धुले होने चाहिए। उसके ऊपर कोई भी क्रीम या लोशन वगैरह भी नहीं लगा होना चाहिए। अगर मैंने क्रीम या लोशन भी लगाया ना, तब भी मैं उसको धो लेती हूँ, और अच्छे से पानी से हाथ साफ करने के बाद उसको साफ सुथरी सी, मेरी एक पूजा वाली ही टॉवल है उससे हाथों को मैं पोंछती हूँ, और उसके बाद में मैं ये झोली माला उठाती हूँ, और इसके बाद में चैंटिंग करना शुरू करती हूँ। दूसरी जो चीज़ मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ, मैं ऐसे ही फ्लोर पर, मतलब कुछ भी नहीं बिछा हुआ है उसके ऊपर बैठ करके चैंटिंग नहीं करती हूँ। मैं सोफे पर, चेयर पर, कहीं पर भी बैठ करके चैंटिंग कर लेती हूँ। अगर मुझे डायरेक्टली फ्लोर पर बैठना है ना, तो मैं कोई भी आसन, मैंने दो वो कपड़े वाले पायदान होते हैं ना वो खरीद के रखे हुए हैं, तो मैं वो बिछा लेती हूँ। वो सिर्फ मैंने इसीलिए रखे हुए हैं कि किसी को भी चैंटिंग करनी हो, जैसे परम भी चैंटिंग करता है, महेश भी कई बार चैंटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं। परम को तो फिर भी मैं बिठा लेती हूँ, लेकिन महेश का इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि वो रेगुलर बेसिस पर नहीं करते हैं। तो बिजी तो मेरा भी रहता है, लेकिन मैंने तो कसम खा के प्रॉमिस करा हुआ है कि भैया मुझे तो करना ही है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही फ्लोर के ऊपर नहीं बैठती हूँ। अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से सोफे पे बैठ करके चैंटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर राधा कृष्ण की पेंटिंग लगी हुई है। इसके नीचे यहाँ पर ये जैसे सोफा है ना, तो मैं ये सोफे पर ही बैठ जाती हूँ, और बैठ करके मैं जैसे ये वाले हाथ में मैंने एक्चुअली इसको पकड़ा हुआ है, मैं मोबाइल से इसको शूट कर रही हूँ, तो राइट हैंड में मैं इस तरीके से झोली को पकड़ती हूँ, और इसके बाद तो ये देखिए आप, मेरी झोली माला में ना इस तरीके की गांठ हमेशा ही लगी होती है। मैं इसके बाद इसको खोल देती हूँ, और खोल करके ना इसके अंदर हाथ डालने के लिए एक जगह होती है। जो लोग चैंटिंग करते हैं उनको पता ही होगा, और जो लोग झोली माला यूज़ करते हैं उन्हें पता ही होगा कि इस तरीके से एक जगह होती है जहाँ पर हम अपना हाथ डालते हैं, और ये जो हमारी फिंगर होती है ना, ये जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है, इसको हम बाहर निकालते हैं, और अंदर जो है हमारी माला है वो ये है, ये मेरी तुलसी माला है, और इस तुलसी माला से ऐसे ये फिंगर को बाहर निकालते हुए चैंटिंग करनी शुरू करनी होती है। तो जो मैं चैंटिंग ऐसे शुरू करती हूँ, मैं आराम से ऐसे करके बैठ जाती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि ऐसी जगह पर ही मैं बैठूं और सारा काम करके मैं बैठूं, ताकि मेरे माइंड में बस ये ना चलता रहे कि अरे मेरे ये काम बाकी रह गए, अरे मेरे वो काम बाकी रह गए। नॉर्मली मैं मॉर्निंग में चैंटिंग नहीं कर पाती हूं, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास में सबसे ज़्यादा काम होते हैं। स्कूल जाने वाले डेज में तो मेरे पास टिफ़िन को भी लेकर के काम होता है। मेरे मेडिटेशन के बाद जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं टिफ़िन बनाने में लग जाती हूँ, उसके बाद में मैं लंच बनाती हूँ, फिर 1 से 1.5 घंटे का जो टाइम मिलता है उसमें मैं चैंटिंग करना पसंद करती हूँ, और उस टाइम पर बैठ करके मैं चैंटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं आराम से बैठ जाती हूँ मेरा सारा घर का काम करने के बाद में। जी हाँ, मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करना पसंद करती हूँ, मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरा घर है तो मैं इसे खुद से करूँ तो मुझे ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए तो मैं सारा काम जब मैंने कर लिया, निपटा लिया, उसके बाद आराम से यहाँ पर बैठ जाती हूँ, और बस इस तरह से मैं
अपनी माला से चैंटिंग करना शुरू कर देती हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अभी शुरू हुई है मेरी माला। इस तरह से मैं कोशिश करूँगी, अगर कोई आ गया या कुछ काम हो गया बीच में, या फिर कोई आ जाता है जैसे कि अचानक घर में, तो बस मैं उतनी माला करके छोड़ देती हूँ और उसके बाद में मैं दोबारा से जैसे ही टाइम मिलता है, और नहीं भी मिलता तो मैं टाइम निकालती हूँ, उसके बाद फिर से चैंटिंग करना शुरू करती हूँ। तो ये है मेरा मेन रिचुअल जो कि मैं चैंटिंग करते समय फॉलो करती हूँ। और इसी तरीके से कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि एक बार में ही मैं 16 माला कर लेती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एक बार में ही 16 माला करने की कोशिश करती हूँ, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ब्रेक ब्रेक करके भी कर लेती हूँ। जैसे कि अभी 7-8 माला अभी कर ली, फिर 8-9 माला जो बची हैं वो बाद में कर ली। तो इस वजह से ऐसी सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का टाइम है और किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और क्या सिचुएशन बनी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चैंटिंग करती हूँ। और मुझे ये चैंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ भी देता है। तो आई होप कि मैं अच्छे से व्लॉग्स कर पा रही हूँ। मैं इसमें बिल्कुल नई हूँ, सारी चीज़ें मेरे लिए नई नई हैं, इसे हैंडल करना भी नया नया है, इसे शूट करना भी नया नया है। मुझे बहुत ज़्यादा एडिट नहीं आता है, मैं बहुत सारी चीज़ों में परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं चीज़ें धीरे धीरे करके सीख जाऊँ और आप लोगों के साथ में अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको शेयर कर सकूँ। तो बाकी आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।